अभी भी उनके दिल में वो चुन्नी ही बसी हुई है। सोते वक्त भी वो चुन्नी का ही नाम लेते हैं। इसलिए मैं उनके लिए ये कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? मैं समझा नहीं। जब मंजली दीदी बीमार पड़ी थी तो कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। तब हंसिनी बारानगर के इसी बाबा से एक मंत्र का पढ़ा हुआ पान सुपारी लेकर आई थी और वो खाने के बाद मंजली दीदी एकदम ठीक हो गई। आपको भी इन चीजों पर विश्वास है? विश्वास है, इसलिए तो जा रही हूँ। अरे मंजली, तू छोटी के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करती है, बता तो सही। बड़ी दीदी, मैंने छोटी के किन करतूतों पर पर्दा डाला है? क्यों, भूतनाथ को उसका गुरु भाई बनाकर? लगता है आपके कान कुछ ऊंचा सुनने लगे हैं। भूतनाथ को गुरु भाई छोटी ने बनाया है, हमने नहीं। और तुझे भी आजकल कम दिखने लगा है, तेरी आंखों से ये पर्दा हटाने आई हूँ मैं। मुझे तो लगता है आप झगड़ने आई हैं, वरना इस वक्त आपको छोटी और उसके गुरु भाई की याद क्यों सताने लगी? क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी इन आंखों से छोटी को भूतनाथ के साथ बाहर जाते हुए देखा है, समझी? चश्मा पहनी थी? तुझे मजाक सोच रहा है हा? देख, मुझे अभी इस उम्र तक चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। तू बात को घुमाने की कोशिश मत कर मछली। आज तक मेरी सभी कोशिशें बेकार हो गई। अगर इस बाबा के मंत्रों से ये अगर इन पर कुछ भी फर्क पड़ जाए तो मैं अपने आप को सफल समझूंगी, नहीं तो सोचूंगी कि अपनी किस्मत के सामने हार गए। तू कैसे बहू है हा? छोटी के पाँव गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए बड़ी दीदी, जहां तक छोटी को मैं जानती हूँ, वो जो भी कर रही है अपने पति को पाने के लिए कर रही है, और अपने पति को पाने की कोशिश करना कोई बुरी बात तो नहीं है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मगर मुझसे बात किए बगैर भी तो आप रह नहीं सकती हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम। पान सुपारी लाई है? बाबा, पान सुपारी तो मैंने ही लाई, अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए, मेरा वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बालिके, पान सुपारी तो तुझे अपने साथ ही लाना पड़ेगा, लेकिन तू बहुत परेशान लग रही है। मैं तुझे एक ताबीज देता हूँ, इस ताबीज को अपने पति के दाहिने हाथ में बांध देना, तेरा मंगल होगा, ये ले। जा, भगवान तेरा भला करे। मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं पान सुपारी ले आती। छोटी बहू, मैं लेकर आ जाऊं? अरे नहीं, बाबा ने कहा है कि मुझे अपने हाथों से ही लाना है। लगता है मैं फिर किसी दिन आना पड़ेगा। चलिए आइए। अबुलदत्त साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए 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 ननी बाबू, आइए, काफी देर लगा दी आपने, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं आपको देखता तो बहुत खुश हो जाता। ऐसा क्या? आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए, कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया। और आपकी पत्नी? आ,
कारोबार के सिलसिले में आए, ये कुछ कागजात हैं, आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। कैसे कागजात हैं भाई? हम पार्टनर तो हैं, अब इसके साथ साथ ये भी कि कमीशन का मैं लेनदार हूँ। अच्छा अच्छा, दामाद जी ने पढ़ लिया है? पढ़ लिया, हस्ताक्षर भी कर लिया। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जब दामाद जी ने पढ़ लिया है तो सब कुछ ठीक ही होगा। ये लीजिए कलम। अरे नहीं भाई, ये कलम आप अपने पास रखिए, मेरे पास एक शुभ कलम है और सारे शुभ काम ना मैं उसी कलम से करता हूं। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आ। शुभ कार्य। बुनाई कढ़ाई हो रही है। पिताजी, पिताजी आप उन कागजों पर सही मत कीजिए। क्यों? मुझे मालूम है नन्नीलाल बहुत चालाक आदमी है, वो हिस्सेदारी के साथ साथ दलाली भी लेंगे। लेकिन बेटी, दामाद जी ने पहले ही सही कर दिया है। मुझे मालूम है नन्नीलाल ने ये सब कुछ धोखे से करवाया है। बेटी ये सब धंधे की बात है, तू नहीं समझेगी। हाँ पिताजी, पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज आपके दामाद कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही कुछ हो गया तो वो टूट जाएंगे। मैं समझा नहीं। आहा, आपके दामाद कुछ बनना चाहते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तो क्या अभी वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं क्या? हा? अरे बाबा, आप नाना बनने वाले हैं। मैं ना मैं नाना जी। हाँ आप नाना बनने वाले हैं। तू माँ बनने वाली? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटे, मेरी इतनी सी चारू माँ बनने वाली। बेटा आज तक तेरा ये बाप पहले व्यवसायी था बाद में बाप, लेकिन अब से ये पहले बाप है बाद में और कुछ। तुम देखना, मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे हमारे दामाद जी या हमारे नाती का कुछ भी बुरा हो। देख लेना। तू घबरा मत बेटी, आज पहली बार मैं तेरे पिताजी में कुछ बदलाव सा देख रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या करें, नन्हे की वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा, हम अपने कदमों को वापस भी नहीं खींच सकते, इज्जत का सवाल है। सरदार इस बात का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, मैंने नौकर और दासियों की तनख्वाह कम कर दी है। पालकी वालों की भी छटनी कर दी है। तो सरकार छोटी छोटी चीजों की काट छांट करके लाखों जमा नहीं किए जा सकते, हम बड़ी माँ की बातों से मजबूर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनका कहा नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। क्या हुआ, आपका कलम नहीं चल? कलम तो चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई है। कैसी बात? आप ये कमीशन मुझसे क्यों ले रहे? आप खान के मालिक गुप्ता ही से लेना चाहिए। ये बात आपके दामाद को समझनी चाहिए। जितना मुझे काम का तजुर्बा है, दामाद जी की उम्र भी उतनी नहीं है, और छोटे अगर गलती करते हैं तो बड़ों का काम है उसे सुधार देना। बड़ा कौन? और आप तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, उसूल की बात कर रहा हूं, धंधे की बात कर रहा हूं। कारोबारी आदमी हूं, कारोबार में नुकसान उठा सकता हूं, लेकिन बेटी और दामाद को दांव पर लगाकर नहीं।
संस्कार ऐसे समय जबकि मैं नाना बनने वाला हूं। अरे बधाई हो आपको, बधाई हो बाबूलदत्त साहब। बाबूलदत्त साहब, आपने मुझे एक ही क्षण में पराया कर दिया। कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि आपको हवेली तक पहुंचाया किसने। बाबूलदत्त साहब मैं ही था ना। सब संयोग की बात होती है, आपके चाहने या मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो भगवान चाहता है वही होता है। मेरी बेटी को उसे हवेली पहुंचाना था और उसने आपको माध्यम बना लिया, बस। तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। एहसान मानने का मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ भी कहें उसे मैं मान लूं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे? सही चीज पर हस्ताक्षर करने में मुझे कोई इनकार नहीं। मैं जाता हूं। लेकिन फिर आऊंगा। आपने हमें याद किया बड़ी माँ। हाँ मजले, आज हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं बड़ी माँ आप? आपका हम पे हक है, आप हुकुम कीजिए। आओ बैठो। नहीं ठीक है बड़ी माँ, बैठो तो सही। मजले, नन्हे विलायत न जाने के लिए तो मान गया, पर वो यहीं रहकर कुछ करना चाहता है और तुम्हारी मदद के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो मजले, बच्चे अगर कुछ बनना चाहें तो बड़ों को उन्हें हौसला देना चाहिए, तब जाकर वे कुछ बन पाएंगे। तुम्हारे बड़े भैया के बाद एक तुम ही तो हो उसे समझाने वाले। मजले, उसे कभी अपने पिताजी की कमी महसूस होने मत देना और उसे हमेशा अपना बेटा ही समझना। बस यही हमारी प्रार्थना है तुमसे। समझे विदु सरकार? जी सरकार। ये बात है, अब कोयले का धंधा करो और कोयले के धंधे में अपने हाथ काले करो। ये कोई बात हुई भला? मगर करें तो क्या करें, बड़ी माँ की बातों ने हमें बेबस करके रख दिया। अब न चाहते हुए भी अपने कदम वापस तो नहीं खींच सकते ना। बड़े भाई साहब रहे नहीं, अब नन्हे का भला बुरा तो हमें ही सोचना है ना। अब उसने बच्चों की तरह जिद पकड़ ली, कोयले की खान खरीदनी है तो खरीदो। अब हमने जो फैसला लिया है उसको अंजाम तक तो पहुंचाना ही। आपके बच्चे के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। हाँ अगर तुम चाहो तो मंजले बाबू आपको जो भी कागजात दें वो आप मुझे दिखा जरूर देंगे। बस जी जी समझ गए। नमस्कार। इतनी सी बात समझने के लिए पूरे 22 सिक्के वसूल लूंगा। बालक बाबू, ये रहे असली कागजात, इन्हें संभाल कर रखिएगा।
और ध्यान रहे किसी के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। आप ठीक कह रहे हैं बालक बाबू, लेकिन क्या कहें, वक्त जरा खराब चल रहा है और दीवारों के भी कान होते हैं। पर आप इतने तेज तर्रार वकील हैं, आपको क्या समझाना। चूंकि हम किसी की भागीदारी नहीं चाहते, आप अपने हिसाब से उसी तरह इकरारनामा तैयार करवाइए। और हाँ विदु सरकार, हाबुल दत्त से हम बात कर लेंगे, तुम वो नन्नी मन्नी जो भी है उससे कह देना। लेकिन वो 2 लाख जो कम पड़ रहे हैं उनका इंतजाम? उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम कहाँ से कर लोगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप ही तो कहते हैं चाचा कि अब सारा काम मैं बहुत जिम्मेदारी से करने लगा हूं। इस कोशिश को हम बेकार नहीं जान देंगे चाचा। ठीक है नन्हे, इस मामले में हम तुमसे बाद में अकेले में बात करेंगे। आ गए हो? तुम लेटी रहो। सासू माँ, छोटी चाची, नजली चाची, सब कैसे हैं? अरे सब ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और हमारा बेटा? खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है भाई, खुद ही पूछ लेते हैं। अरे भाई छोटे जमींदार, देखिए आपके पिताजी आपसे बात करने आए हैं। अरे हमने तो आपके लिए पहले से ही खिलौने खरीद रखे हैं। क्या? एक मिनट चारू, छोटे जमींदार बोल रहे हैं कि माँ से बोलिए हमें दुनिया में जल्दी आना है। दत्त, समय से पहले कैसे आएगा? मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको कैसे मालूम कि ये बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। हमारे खानदान की रिवायत है ये, हमारे घर में भगवान पहले बेटा ही देता है। और अगर ये रिवायत बदल गई तो बदलने दो, बेटी आ जाएगी। अरे बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है, घर में लक्ष्मी आ जाएगी। आपको मालूम है आप कितने बदल गए हैं, और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चारू, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बदला, और बाकी रहा सा हमारी आने वाली औलाद कर देगी। अच्छा एक बात बताओ, ये एकदम से मुझे क्यों बुला भेजा? मैं हवेली जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा या बेटी वही हो। मेरा यह मन नहीं लग रहा। ठीक है। नमस्ते मंजिले बाबू। आपने मुझे बुलाया? हाँ आइए बैठिए। हमने आपको ये कहने के लिए बुला भेजा कि कोयले की खान जिसे हम खरीदना चाहते हैं उसमें हमें किसी की भागीदारी की जरूरत नहीं है, उसे हम अकेले ही खरीदेंगे। ये सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ मजले बाबू, बल्कि खुशी हुई। लेकिन मजले बाबू, अब मैं आपका समधी हूं, आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा ना जी। इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं।